आज दिन है थर्सडे और अभी बज रहे हैं 10 और मैं रेडी हुई हूँ बाजार जाने के लिए। तो अभी मैं बाजार जाऊँगी, फिर आके खाना बनाती हूँ। और आज का जो लक्ष्मी पूजा होता है थर्सडे का, वो बेटा कर चुका है, आज बेटा ही पूजा किया है और हम लोगों का नाश्ता पानी हो गया है। तो बाज़ार से आने के बाद मैं खाना बनाऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और वीडियो स्किप करके मत देखिए। नए यूट्यूबर को, क्रिएटर को ग्रो करने में सहायता कीजिए। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ फ्रेंड्स, और आज मैं बनाने वाली हूँ दम पटल। तो दम पटल के लिए मैं पटल को ऐसे काट कर रखी हूँ, ऐसे मतलब एक गोटा पटल को आधा काट के उसमें चार भाग एक चीरा लगा दी हूँ ताकि इसके अंदर मसाला जा सके। और आलू, बड़ा बड़ा आलू था तो मैं ऐसे टुकड़ों में काट कर इसे भी पानी में चुभा कर रख दी हूँ। और उसके बाद मैं आज दही जमा दी हूँ, तो ये दही 3-4 घंटा में सेट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको फ्रिज में उठा कर रख दूँगी। और ये निरामिष सब्जी बन रहा है, तो निरामिष सब्जी के लिए मैं ये जीरा आधा और लाल मिर्ची दे रही हूँ, और ये गरम मसाले में 4 इलायची, लौंग, ये सिनेमन है। और मैं इसे आज सील में ही पीस रही हूँ क्योंकि इसका स्वाद ही अलग होता है। मिक्सी में जो स्वाद आता है वो मिक्सी का मसाला का जो स्वाद नहीं आता है वो सील का होता है। तो मैं अधिकतर जो भी थोड़ा सा मसाला होता है तो मैं इसी में पीस लेती हूँ, और मुझे इसमें मसाला पीसना भी अच्छा लगता है। जब ज़्यादा मसाला होता है तब मिक्सी में पीस लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसाला के लिए मेरा यही सही है। ऐसे भी ये हम लोगों का मतलब देसी तरीका है। हम लोग तो ऐसे भी मिडिल क्लास फैमिली है, उतना ये नहीं करते, तो बस मैं ऐसे ही मसाला पीस लेती हूँ। और कभी आप लोग सेल के मसाले का स्वाद लेके देखिएगा कितना टेस्टी लगता है इसका सब्ज़ी। अगर आप दाल बनाएंगे और इसी में हल्दी पीस के डालेंगे तो वो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो बस मेरा मसाला होने वाला था, बस ये 2 राउंड में मेरा मसाला पूरा चिकना हो जाता है। जितना चिकना मिक्सी में नहीं होता उतना चिकना इसमें हो जाता है। तो बस मैं मसाला उठा ली हूँ, उठा के सील को अच्छा से, सील बट्टा को अच्छा से धो के उसे उठा कर वहीं पर रख देंगे। उसके बाद मेरा सब्ज़ी बनाने का काम शुरू हो जाता है। और उससे पहले मैं बाज़ार चली गई थी। इतना तैयारी करने के बाद मैं बाज़ार चली गई थी, तो ये बाज़ार जाने से पहले थोड़ा सा काम शेष कर ली ताकि फिर आने के बाद मेरा थोड़ा सा ही काम रहे। और एक ऑफिस में भी जाना था, तो उसके लिए भी सब अपना ये पेपर सब चेक करी थी कि सारा पेपर मेरा है कि नहीं, सब पेपर रेडी रहता तो फिर ठीक रहता। फिर अगर जहाँ जाऊँगे वहाँ अगर नहीं होगा तो फिर घर आना पड़ेगा, तो फिर मैं वही सब पेपर अपना सब चेक कर रही थी। और चेक करने के बाद फिर मैं वहाँ से आने के बाद फिर मैं अपना खाना बनाऊँगी। आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है मुझे, बस रोटी और दम पटल और दही है ही, और कुछ नहीं करना है मुझे। तो जब मुझे बाज़ार जाना होता है तो मैं हल्का ही खाना कुछ बना लेती हूँ। और थर्सडे को निरामिष ही खाना हम लोग खाते हैं, वेज खाना खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो बस मैं रेडी हो रही थी, तो रेडी होके मैं बाज़ार निकल जाऊंगी अभी। तो मैं बाज़ार से आके फिर सब्ज़ी बनाने में लग गई हूँ। ये पटल और आलू पटल को दोनों को छांक के रख दे रहे हैं ताकि इसका पानी निकल जाए। और जब पानी निकल जाएगा तो सबसे पहले मैं आलू को भूज लूँगी, क्योंकि तेल गंदा हो जाता है पहले पटल भूजने से। तो पहले मैं आलू भूज लूँगी। इसके इस सब्ज़ी बनाने के लिए मैं सादा तेल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि निरामिष सब्ज़ी अधिकतर सादा तेल में ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल लगता है, ऐसे तो हम कम ही तेल में खाना बनाते हैं। तो मैं आलू को मैं कपड़ा में पहले भिजा हुआ आलू को कपड़ा से पोंछ के सुखा ली, उसके बाद फिर मैं आलू तेल में डाली हूँ ताकि इसका पानी का छींटा ना पड़े। और इसमें नमक दे दी ताकि इसमें नमक आ जाए आलू में, नहीं तो बिना आलू में नमक नहीं आएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं। ऐसे लाल करके अच्छा से भूज लेंगे, फिर उसी तेल में पटल को डाल देंगे। पटल भी खूब ऐसे ही जैसे आलू को भूजे हैं लाल लाल करके, उसी तरह पटल को भी पूरा लाल करके भूजना है।
जब तक पटल भूज रहे थे और इसमें एक आलू छूट गया था, तो ये आलू भी पटल के साथ ही भूज दे रहे हैं। और उधर पटल हो रहा है एक साइड में, उसे हल्का से भूज रहे हैं, तब तक रोटी भी सेक ले रहे हैं, क्योंकि दिन में हम लोगों को रोटी ही खाना है। चावल अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो रोटी ही खाते हैं, और उनके साथ साथ मैं भी अपने लिए रोटी ही बना लेती हूँ। बेटा भी ज़्यादा रोटी ही पसंद करता है, चावल पसंद नहीं करता। जब बहुत इच्छा होती है तब अपने लिए चावल बना लेते हैं, नहीं तो हम भी रोटी ही खा लेते हैं, एक जन के लिए भात नहीं करते। तो फिर मेरा आलू भी उधर हो चुका था, आलू तो हो ही गया था और साथ में पटल भी लाल हो चुका है, आप लोग देख ही रहे हैं। और थोड़ा सा ही रोटी बनाना रह गया था, तो मैं रोटी पहले कंप्लीट कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि अब आटे का हाथ धो कर फिर सब्जी बनाऊंगी, तो ज़्यादा रोटी नहीं बनाना था। तो मैं सोची पहले रोटी बना लेती हूँ, फिर मैं उधर सब्जी अपना कर लूँगी। वैसे भी अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 12 ही बज रहा है, सिर्फ सब्जी रोटी ही करना था मुझे, दम पटल ही करना था। तो बस मैं ऐसे ऐसे ही अपना धीरे धीरे काम निपटाती जाती हूँ, क्योंकि कहीं जाना तो है नहीं अभी। और बस इसी इतना ही तेल रह गया था, ज़्यादा तेल में नहीं करना था मुझे, तो बस इसी तेल में मैं थोड़ा सा फ़ोरन के लिए मैं जीरे का यूज़ की हूँ, पचफ़ोरन में ये सब्ज़ी नहीं बनाती। और गरम मसाला तो मैं पहले ही पीस चुकी हूँ, तो और ज़्यादा गरम मसाला का यूज़ नहीं करना है, रिच हो जाएगा। तो बस मैं इसमें मसाला डाल दी हूँ, और मसाला में तो ये निरामिस ही है, और इसमें प्याज वाज कुछ जाएगा नहीं। तो और ये मसाला डाली तो फिर प्लेट भी थोड़ा सा धो के डाल देंगे, ताकि मैं तो ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि लास्ट वाला प्लेट धो के डालने से थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है, और इसे फेंकने से भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसे मसाला तो अच्छा अच्छा ही पीसे हैं, और ये मसाले का सुगंध भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और इसमें अभी हल्दी नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, क्योंकि सब्ज़ी देखने में कश्मीरी मिर्च डालने से थोड़ा सब्ज़ी का कलर और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। तो बस मैं ये मसाला ज़्यादा नहीं भुनना पड़ता है, क्योंकि इसमें प्याज तो लहसुन तो है नहीं, बस आधा ही है, तो ज़्यादा नहीं भूजेंगे ये मसाला को। जब 5 मिनट भूजने से ही ये रेडी हो जाएगा, और इसी मसाला में भूनने के बाद में जो आलू और पटल को भूज कर रखे हैं, तो वो भी इसी में ऐड कर देंगे। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है मसाले का। तो बस इसी में ये आलू पटल जो मैं भूज कर रखी हूँ, तो उसे भी ऐड कर दूँगी। अगर मेरे बोलने में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अभी न्यू यूट्यूब चालू की हूँ, तो उतना बोलने का प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा तो गलती हो ही जाती है। अब मेरे से थोड़ा सा हो जाता है गलती, तो मुझे माफ़ कर दे इसके लिए। तो बस इसी मसाले में मैं थोड़ा सा आलू पटल को भाज लूँगी, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा अगर कच्चा भी रहेगा तो वो भी सीज जाएगा इसमें। ऐसे तो भुजने से ही आलू मेरा सीज गया था, आलू पटल दोनों ही सीज गया था। तो इधर देखिए मेरा दही जम चुका था, देखिए ज़रा सा भी पानी नहीं छूटा है, पूरा एकदम अच्छा सा, मतलब जो बोलो एक कड़ा कड़ा दही होता है, जम चुका है। और इसे फ्रिज में रख देंगे, और देखिए मेरा सब्ज़ी भी अब होने ही वाला है। अब जितना झोल रखना है बस उतना ही झोल रखेंगे, और उसके बाद मैं खाली करके जो कढ़ाई है उसे माँज कर हटा देंगे। देखिए देखने में सब्ज़ी कितना अच्छा लग रहा है ना, कि शादी बाड़ी के जैसा, जैसे शादी ब्याह में सब्ज़ी बनता है ठीक वैसे ही ये सब्ज़ी मेरा रेडी हुआ है। और सब्ज़ी को अभी खाली करके कढ़ाई सब माँज के हटा देंगे। अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सा भी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखिएगा। और देखिए सब्ज़ी मेरा बन चुका है, और इसी के साथ आज का मेरा ब्लॉग शेष होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।